उस किसको बोला कि भाई राहुल जी इतना दौड़ रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? मैं बोला मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए रोज रोज पैदल मारना हमारा भी काम है। भगवान ने तो हमको पाव दिया है, साइंटिस्ट ने ही तो गाड़ी गाड़ी दिया है, लेकिन पाव तो भगवान ने ओरिजिनल जो पाव ही है, जो लोगों को तो पाव में चलना है। मैं आपका फिर भी व्यू क्या है? मैं बोला इतना ही है कि राहुल जी आपका सेहरा ऐसा बनना चाहिए जो सेहरा में लोगों को महात्मा गांधी दिखाई देता है, वल्लभ भाई पटेल दिखाई देता है, सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। और 2029 तक भारत देश वर्ल्ड का थर्ड इकोनॉमी होगा। अगर 25 साल का जो अमृत काल है, हम लोग सब अगर मोदी जी को ताकत देगा, मोदी जी का साथ चलेगा, ये स्वाधीनता का अमृत काल में हम चाइना और अमेरिका को भी पीछे कर देगा। भारत का इतना ताकत आज का दिन में है। मैं आप लोग का सामने इसलिए ये बात बोला कि आप लोग का कितना महसूस होता है मेरा मालूम नहीं है, लेकिन गुजरात का लोगों ने देश का ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आज अगर उत्तर पूर्व का इतना विकास हो रहा है, आज अगर जम्मू कश्मीर का एकत्रीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, अगर आज श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, अगर आज देश का हर प्रदेश में एक एम्स हो रहा है, अगर आज देश का हर प्रदेश में 6 लेन का हाईवे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, इसलिए गुजरात का जनता ने नरेंद्र मोदी नाम का वो शक्ति को भारत को तोहफा दिया। ये जो चुनाव आ रहा है, ये चुनाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये 2022 का चुनाव परिणाम निकलते गुजरात का 2026 के लिए लोगों का माइंड सेट हो जाएगा कि मोदी जी को तीसरा बार के लिए प्रधानमंत्री बनाना है। अगर गुजरात का विजय भव्य होता है, अगर गुजरात का विजय हम लोग 150 पार कर लेता हो, तो देश में मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा महल 2022 से ही शुरू हो जाएगा। लोग 26 का इंतजार ही नहीं करेगा, 22 से ही लोग शुरू हो जाएगा कि और एक बार मोदी सरकार, ये शुरू हो जाएगा देश में। इसलिए हम लोग को सब मिलकर मोदी जी को ताकत देना है, मोदी जी को शक्तिशाली करना है, और 2026 के लिए हमारा जो एक मंच है, वो मंच को निर्माण करना है।